हम आपके हैं किन्नौर। ₹500 निकाल। छोटे, अच्छा बदला लिया है इसने जो मुझे मारा था उसका। क्या, इसने आपको मारा? हाँ। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा तूने देख लिया होगा। नहीं बड़े भैया, आप तो जानते ही है रघु तड़पा तड़पा के बदला लेता है। चल छोड़, जाने दे। इस डरपोक को देख के दिमाग में एक ख्याल आया है। कौन सा ख्याल बड़े भैया? इसको देख कर लगता है यहाँ पे बहुत से शरीफ लोग रहते हैं, इन शरीफों की शराफत का फायदा उठाकर क्यों ना यहाँ भी सब्जी का काम स्टार्ट किया जाए, और सब्जी मंडी में जो स्पेशल मान और बची हुई सब्जियाँ नहीं बिकती हैं उनको यहाँ लाके महंगे से महंगा बेचेंगे, मुनाफे का मुनाफा और बदले का बदला। वाह, बढ़िया ख्याल है बड़े भैया। इसने मेरे बड़े भाई से पंगा लिया है, मतलब मुझसे पंगा लिया है। ये जानते नहीं आग, बिजली और रघु से पंगा लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आग झटका देती है, बिजली झटका देती है, और रघु तड़पा देता है। अब देखना मेरे बड़े भैया, मैं इन ग्रीन होम्स वालों को कैसे तड़पाता हूं। घाल खाने कैसा आया? कल से बेहतर है। ये आवाज और ये लोग कौन है? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कंट्रोल योर हैंड्स। और जरा पता लगाओ कि ये बॉर्डर पे हलचल क्यों हो रही है। इसमें सोचने वाली क्या बात है, ये तो सब्जी की दुकान लग रही है। सब्जी की दुकान? हाउ अनसिविलाइज्ड। लेकिन सवाल ये है कि ये हमारे बॉर्डर पे सब्जी का टेंट क्यों लग रहा है? But Daddy, क्या ये सब्जियां ऑर्गेनिक और हाइजीनिक होंगी? Well, God knows. शुभ प्रभात कर्नल साहब। गुड मॉर्निंग पंडित जी, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, कुछ लोग हमारे इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये तो सब्जी का ठेला है। पंडित जी आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? देखिए, कुंभ का मेला और सही जगह पर लगा सब्जी का ठेला हमेशा खुशी देता है। बोल सांचे दरबार की जय। इससे वक्त और पैसे दोनों की बचत होगी। बेबी, बेबी, बेबी जी। पंडित जी। बेबी। जी। बेबी जी। वो हमारे लिए बेबी है और आपकी समधन है, समझे समधी जी। लेकिन वो आ तो गई। हाय, नमस्ते समधी जी, बुलाया आपने? अरे यहाँ क्या देख रही हैं? वहां देखिए, वहां सब्जी वाला नहीं, कोई आर्मी का जनरल आ गया। अरे पप्पू, ए पप्पू, देखो सब्जी वाले चचा है। अब कभी खुशी और कभी गम का दौर खत्म और नई खुशियों का दौर शुरू।
सच में अब टमाटर लाल के भरोसे तो नहीं बैठना पड़ेगा और बिना टमाटरों की सब्जी तो नहीं खानी पड़ेगी। हाँ, और अपने पतियों के भी, एक किलो बैंगन लाने को कहो तो 5 किलो बैंगन ले आते हैं। एक हफ्ते की सब्जी पड़ी है फ्रिज में। हाँ, और जब इनसे सब्जी मंगाने को कहो तो इनका मुंह तो टेढ़ा हो जाता है। अब कम से कम इनके हाथ पर तो नहीं जोड़ने पड़ेंगे। पहले एक बार सब्जियों को चेक तो कर लो, शायद का सवाल है। अच्छा जल्दी चलो वरना वो चला जाएगा। चलो जल्दी चलो 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 दामू। देख रहे हैं संधि जी, ये इलीगल है पंडित जी। तो आजकल कौन सा काम लीगल हो रहा है? लेकिन देखा औरतें कितनी खुश हैं। इस बार हम भूपा जी की राय नहीं लेंगे पंडित जी, सीधा आपसे कहेंगे। ये हम ही हैं जो दुश्मनों को मौका देते हैं देश में घुसपैठ करने। साथ से ये सब खुश हो रहे हैं, यही बात सबके लिए एक बहुत बड़ी आफत बन जाएगी। छोटे, वक्त की करवट और समय की आहट ने ग्रीन होम की सब्जियों को हमारे पता बता दिया है। एक मिनट बड़े भैया, मैंने 1000 बार बताया भैया, मेरे से ऐसी पहेलियों में बातें मत किया कीजिए। मेरी समझ में नहीं आती, आप कहना क्या चाहते हैं? वो देख, ग्रीन होम की सब्जियां। क्या मतलब की औरतें? हाँ, हमारे यहाँ ही सब्जियां लेने आ रही हैं और मेरा मन गोभी की पत्तों की तरह खुलकर नाचने का कर रहा है। अरे इस मुनाफे को तो देखकर ये दुकान हमने यहाँ पर लगवाई है बड़े भैया। आगे आगे भाई, इधर ही आ रही है। काम कर। ए सुबह सुबह जो सारी सब्जियां आएंगी वो किधर लगी? अरे यहाँ पे लगा ही। काम कर चल, पागल कहीं का। छोटू मैं नहीं, ये है। मैं बड़ा हूँ। झूठ बोले कौवा काटे, तुम बड़े मियाँ और तुम छोटे मियाँ। अरे इसे क्या लेना देना कि ये छोटे मियाँ या बड़े मियाँ, हमें जल्दी से प्याज का दाम बताइए और हमें सस्ते में दिलवाइए। क्यों? 30 रुपए किलो। मुझे बेटा। अरे भाई साहब, देने का भाव बताइए। यही भाव से बेचते है भैया। डाइट आलू है। डाइट आलू थोड़ी ना होता है, डाइट तो ठंडा होता है। अच्छा है छोटे चचा, आलू कब भाव दिए? 30 रुपए किलो। आप इतना महंगा दाम कैसे बता रहे? मुंह से। कैप्सिकम कैसे दिया? 35 रुपए किलो। लेकिन प्लीज क्या मत बोलना, ये तो लूट मचाई हुई है। लुटेरे, गैंग्स ऑफ देहरादून Part 1 and Part 2। और नहीं तो क्या, सारी सब्जियां 10-10 रुपया बढ़ाकर बोल रहे हैं। तो आपका समय भी तो बचा रहे हैं ना। देखिए, रघु लॉ के खिलाफ कोई काम नहीं करता। सब्जी में भी कोई लॉ होता है? क्यों नहीं, अरे जरूरत से ज्यादा पैसे लगाकर अगर सब्जी बेची तो कंप्लेंट होगी ना हमारे खिलाफ। तो क्या ये भाव जरूरत से ज्यादा नहीं है? नहीं, आप अगर यहाँ से सब्जी मंडी जाएंगी तो वहाँ जाने आने का खर्च लगेगा और 2-3 घंटे जाएंगे, उसमें तो आपका कितना काम हो जाता है। अब मुझे बताइए, यहाँ पे सब्जी खरीदना आपका नुकसान है या फायदा? फायदा। ठीक है। लीजिए। हाँ ये क्या, एक नहीं 1 किलो दीजिए। मम्मी, मैं कहती हूँ अगर सब्जी महंगी भी हुई तो क्या हुआ, काफी फ्रेश लग रही है। आज एक काम करें, आज बनाते हैं गाजर का हलवा। मिस्टर नाराज को बहुत पसंद है। क्यों? हलवा खाएंगे तो शायद दम्मा जी ये कहेंगे, मम्मी जी मैं नाराज नहीं हूँ। ये लो, गाजर धो लेंगे फिर छिलेंगे। ठीक है। निकी?
माँ ये होली आने से पहले ही होली खेल रही है सब्जियाँ, हाँ वैसे ही रंग छोड़ रही है क्यों? ये कैप्सिकम तो बेकार, फालतू, नाजायज और बासी नमूने हैं। सिर्फ बासी नहीं, ये पपीता तो ठीक से अंदर से पका भी नहीं है, कच्चा है कच्चा। लगता है उस सब्जी वाले ने हमें खूब बेवकूफ बनाया, कदर लगा के और इंजेक्शन मार के सारी सब्जियां पकाई हुई हैं। अब क्या करेंगे माँ? अब करना क्या है निकी? जाके सारी सब्जियां लौटाएंगे और अपने पैसे वापस मांग लेंगे। चलो ठीक है, और मैं इतनी जोर से हंसूंगी कि वो डर जाएगा। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी। कंट्रोल कंट्रोल, मैं हूं ना। लेडी मैराडोना आई है। भैया आप लोगों को लूट रहे हो। ये तो अत्याचार है, इस पे आपका क्या विचार है? मोर्चा निकालेंगे, आप लोग ये बहुत गलत कर रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, आए बड़े चालाक लोमड़ी। ए, ये क्या बोल रहे हैं आप सब लोग? ये बिल्कुल सही बोल रही हैं। आपसे तो हमारा टमाटर लाल सब्जी वाला बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा अकल का कच्चा है। टमाटर वाला? हाय बहन जी, इनसे सब्जी मत खरीदिए। पता ये लोग बासी इंजेक्शन से पकाई हुई और वो कलर की हुई सब्जी बेच रहे हैं। अरे ऐसे कैसे कह सकती है आप? अरे अरे बहन जी, एक मिनट, आप ऐसे कैसे कह सकती हो आप? अच्छा ये देखिए सब रंग निकल रहा है, सड़ी हुई सब्जियां। ये देखो ये पपीता कच्चा है एकदम। ये देखो शिमला मिर्च, कलर निकल रहा है इसमें से। कभी सोचा भी है ये सब खाने से हमारे हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा? कभी सोचा भी है ये सब खाने से हमारी फिगर पे क्या असर पड़ेगा? आप अपने हेल्थ की और आप अपने फिगर की चिंता ही मत करो, ये सब्जी हमारी दुकान की है ही नहीं। हाँ झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? अभी तो लेकर गए हम। क्या सबूत है कि ये सब्जियां इस दुकान की है? हाय तो फिर क्या हम एक एक सब्जी पे नाम लिखवाएंगे कि भाई ये सब्जी मंडी वाले उस श्याम जी की सब्जी है, ये पलटन बाजार वाले की सब्जी है और धम्मा वाले बाजार के ठेले वाले की सब्जी है? हाँ होली में जैसे रंग निकलता है ना, वैसे रंग निकल रहा है इन सब्जियों से। आपने रंग लगाया है ना इन सब्जियों में? हमारी जीरूम सोसाइटी के सामने काला बाजार करके हमसे बदतमीजी कर रहे हो सौदागर। अभी की अभी ये सब्जियां वापस लो, वरना हमारी वो ना सीईओ हैं, हम सीधा पुलिस को बुलाएंगे। तो ठीक है, लॉ के हिसाब से हमें भी अपनी सच्चाई साबित करने का मौका मिलना चाहिए। रियली कैसे साबित करोगे सच्चाई? अभी के अभी इस दुकान से कोई भी सब्जी उठाओ, अगर एक का भी कलर निकल गया तो ये दुकान यहाँ से हटवाएंगे हम। अभी दिखाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको हर दिन हर रोज इसी दुकान से सब्जी खरीदनी पड़ेगी। हाँ। अच्छा अच्छा मंजूर है, ठीक है चल। लाइए बाल्टी लाइए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, लाइए। टमाटर दीजिए। ये लो ये टमाटर लो। कलर नहीं निकला। हाँ अब तो आपको सब्जी यहीं से लेनी पड़ेगी। कोई जबरदस्ती है क्या श्री 420? ऐ चचा कान खोल के सुन लो, अब हम में से कोई भी यहाँ से सब्जी नहीं लेगा, समझे? आए बड़े चालाक लोमड़ी। कैसे नहीं लेंगे हम देखते हैं। हाय आप हमें धमकी दे रहे हैं? नहीं धमकी नहीं, गरीबों के पेट पर लात मारने की सजा है। ए छोटे अपनी वाली सब्जियां फिर से लगा दे। हाँ भैया जी।
ये अपनी वाली सब्जियां। वेल जवानों, पंडित जी, दिस इज नॉट फॉर यू। ये है देहरादून और यहां ये है ग्रीन होम सोसाइटी और इसके गेट के ऊपर ये सब्जी वाला जो हमारे बॉर्डर पे गैर कानूनी हरकत कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस मामले में कुपा जी की राय लें। कुपा जी, आपकी क्या राय? भाई, इस मामले में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, इंस्टेंट फैसला ले लेना चाहिए। वैसे हमारी राय में ओके। अब इस सब्जी वाले को बॉर्डर से खदेड़ने का मिशन हमने अपने हाथ में ले लिया है। मतलब आपने फैसला ले लिया? ओके। पापाई, मैं नाराज हूँ। क्या हुआ दामाद जी? पापाई, मेरे हाथ में किसी ने मिशन दिया ही नहीं है, मैं नाराज हूँ। अब जो सजा तुम देखोगे उसकी कानून में भी कोई सजा नहीं है, क्योंकि रघु लॉ के खिलाफ कुछ नहीं करता। फिर वही खुलने वाला बॉर्डर, मजाला। जीजा जी, ये मिशन आप अपने हाथ में मत लीजिए, बहुत खतरनाक है, ट्रस्ट मी। कौन बॉय? तुम्हें कैसे पता? वो डैडी जी, आप ही कहते हैं ना कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। आप ही कहते हैं, आप भूल गए डैडी जी। ओह वेल वेल वेल, वेरी वेल सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू गुलू बॉय। गुड। देखा, मोर के अंडे की चित्रकारी और अकलमंद आदमी की समझदारी खून में होती है। बोल सांचे दरबार की जय। इट इज इलीगल, ये गैर कानूनी है। This is my duty as a secretary. सचिव होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि I will make them run away. उनको यहाँ से भगा दूँ। अरे अब देखना कि हम सब्जी वाले को कैसे मार मार कर भगाते हैं। Well, जवान, ये मिशन मैं चतुर्वेदी और पुपा जी के हाथ में देता हूँ। अरे अब देखना हम क्या करते हैं। हमें आपसे ही उम्मीद थी पुपा जी। So meeting dismissed. Everybody disperse. Okay. Do you know? तुम्हें पता है? इस तरह से दुकान लगाना कानूनन गुनाह है। अच्छा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, यह गुनहगार है। अरे भाई साहब आप। अच्छा बेटा, मार के डर से तूने 6 फीट के आदमी को अपना भाई बना लिया। आप इसे सबक सिखाइए, मैं आपके साथ हूँ। देखो ऐसा है, आज और अभी इसी वक्त यहाँ से ये दुकान हट जानी चाहिए और आइंदा कभी तुम नजर नहीं आने चाहिए यहाँ। और नहीं हटाया तो देखा भाई साहब। कद में कितना छोटा है ये और कितना फोलता है ये। अरे ऐसे तो हम अभी सबक सिखा कर आएंगे। नहीं 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 भाई साहब, देखिए कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। देखिए फूफा जी, दे आर घोस्ट ऑफ द लैक्स, दे विल नॉट एग्री विद टॉक। लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे, इसलिए टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ए चोटे, क्या कर कर देख रहे हैं? वो मुझे मार रहे हैं, बचाओ। बस मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा था। आप लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है, लेकिन मैं कभी कानून अपने हाथ में नहीं लेता। तुमने मेरे बड़े भाई को मारा है। क्या? हाँ। ये मेरे बड़े भाई है।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.